आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के आटे और गुड़ से बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ी, जिनको कि एक महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें सामान भी ज़्यादा नहीं लगता और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इन बाजरे की पूड़ी को कैसे बनाया है। एक बर्तन लिया है हमने और ये एक कप गुड़ है। इसको देखिए मैंने बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है और ये एक कप है, तो एक कप का ही मेज़रमेंट हम रखेंगे सारा। तो एक कप हमारा गुड़ है और इसमें हम डालेंगे जितना गुड़ उतना ही पानी। अगर आप कटोरी से मेज़रमेंट करते हैं तो कटोरी का भी हिसाब यही रहेगा कि एक कटोरी गुड़ और एक कटोरी पानी। अब गैस को हम ऑन करेंगे, गुड़ को हमने पिघलाना है। गुड़ को हमने केवल पिघलाना है, इसमें चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है, बस खाली गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए और फिर हम इस पानी को छान लेंगे। हाई फ्लेम पे ही हमने गुड़ को पिघलाना है। अब हल्का सा पानी हमारा गुनगुना हो गया है और गुड़ हमारा पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ है, पर हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा जो पानी है हमें बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, गर्म बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो हल्का सा गर्म हो जाएगा और हम इसको हिलाते हिलाते गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और फिर इस पानी को छान लेंगे। अब इसको हम छान लेंगे। देखिए बर्तन में आराम से पकड़ पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। दो कप मैंने ये बाजरे का आटा लिया है और इसको अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ एक कप गेहूं का आटा। इसमें हम और भी अच्छा सा टेस्ट आए उसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़े से तिल, थोड़े से तिल डालेंगे। वाइट तिल आप जानते होंगे, वाइट तिल में काफ़ी कैल्शियम होता है, तो ये विंटर के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और जो बाजरे का आटा है वो ही आप जानते हैं कितना गुणी है, इसीलिए सर्दियों में खाया जाता है। अब जो हमने गुड़ पिघलाया था, गुड़ वाला हमारा जो पानी है उससे हम आटे को गूंदेंगे। गेहूं का आटा डाला है तो बहुत अच्छी तरह ये माइंड हो जाएगा। बाजरे का आटा रखने के बाद फूलता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी और डाल के इसको और थोड़ा सा लूज़ करेंगे। हमारी नानी अम्मा तो इसको बना के रख लेती थी और हम लोग चाय के साथ खाते थे। वैसे भी थोड़ी छोटी सी भूख लगती थी सर्दियों में, तो पूछते थे बाजरे की पूड़ी है क्या, तो बाजरे की पूड़ी हम खाते थे। और बाजरे का आटा ऐसा है कि इसको जैसे हम एक पूड़ी खा लेते हैं, इसकी बाजरे की आटे की मीठी पूड़ी हम खा लेते तो काफ़ी देर तक हमारा जो पेट है वो भरा भरा सा रहता था। अब इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखिए थोड़ा ये टाइट हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। वही गुड़ वाला पानी डालेंगे, इतना हमारा पानी है सारा ही इसमें यूज़ हो जाएगा। देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बस इसकी अब पूड़ी बना लेंगे हम। थोड़ा सा इसमें से पाट लेंगे पूड़ी के लिए, बहुत ज़्यादा पतली पूड़ी नहीं बनती है इसमें, थोड़ी मोटी ही बनती है। बस इसको अब बेल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ये सूखा आटा लगाएंगे, गेहूं का आटा है ये, और आटा लगा के इसको बेल, हल्के हाथों से बेलना है। हमने इसमें गेहूं का आटा डाला था इसलिए ये इजीली बेल रही है। अगर खाली बाजरे का आटा होता तो आप भी जानते हैं कि बाजरे का आटा तो टूटता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पूड़ी डाल देंगे। जब हम इसका आटा बनाते हैं तो इसमें हम कोई घी या तेल कुछ नहीं डालते, फिर भी ये काफ़ी खस्ता बनती हैं गुड़ की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए इसके लिए, और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई भी मत करना आप, नहीं तो ये काली काली बनेंगी और इनका गोल्डन कलर नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए बस ये कलर इसका आना चाहिए, गोल्डन सा कलर है ये होना चाहिए। इनको एक बार अगर आप बना के रख लेते हैं तो कम से कम आप रूम टेम्परेचर पर रख के इनको एक महीने तक खा सकते हैं। ये जो फ्राई होगी जैसे मट्ठी होती है उसी तरह से फ्राई होगी ये, ज़्यादा जैसे हम गेहूं की पूड़ी बनाते हैं गेहूं के आटे की, तो उस तरह से ज़्यादा फूलेगी नहीं ये। बाजरे की पूड़ी हमारी बनकर तैयार है।
आप इस रेसिपी को बना के देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है इसमें ये कि इसको बना के एक बार रख लो और एक महीने तक विंटर में रूम टेम्परेचर पर आसानी से ये चल जाती है। तो बाजरे की पूड़ी बनाइए, खाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।